संत हिरदाराम नगर में चंचल चौराहे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेंद्र मंडलोई के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर की गई पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्यवाही को लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासकीय भूमि से आरएसएस से जुड़ी संस्था का कब्जा हटाने की भी मांग की गई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि राजधानी की जमीन बेशकीमती है, जिसको एक रुपए मूल्य पर आरएसएस के समर्थक एनजीओ को शिवराज मामा के द्वारा दी जा रही है, जिससे वहाँ की हरियाली नष्ट हो जाएगी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि अगर आरएसएस की वहाँ पर कोई भी कार्यालय खोला जाता है तो उसको कांग्रेस कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे। प्रदर्शन के दौरान विलाक अध्यक्ष नानक चंदानी, पूर्व पार्षद अशोक मारण, त्रिलोक टिपाणी, लीलाधर पवार, मधु चंदवानी, आनंद सावधानी, तुलसी जोतवानी, घनश्याम लालवानी, राम बेखवानी, जितेंद्र खनचंदानी, दशरथ राजपूत, सोहन मेवाड़ा, जीतू बलुआ, किशोर साधवानी, कयूम खान, राम भरोसे भगवानिया, सुरेश सिंगरोली, विष्णु मारण, सतीश यादव, हरीश कचेला, विनोद राय, महेश गुरबाणी, प्रकाश विधानी, हरीश महर चंदानी, आत्माराम सूर्यवंशी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। आरएसएस के इशारे पे भाजपा सरकार द्वारा एक रुपए कीमत पे आरएसएस के एनजीओ को दे दी जाती है, जो एक मैदान है, एक पार्क की जगह है, जिसको लेके पूरे भेल और गोविंदपुरा में आक्रोश का माहौल है, जिसके समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अपना विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के इशारे पे जिस तरीके से बर्बरता